हेलो फ्रेंड्स, रिंकूस किचन में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में मैं ओट्स के चीले की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाने में काफ़ी आसान है और खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओट्स का चीला बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक कटोरी ओट्स लूंगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। पानी आप उसमें इतना ही ऐड करिए जिसमें ओट अच्छे से भीग जाए। अब इसे अच्छे से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ दें। हमारा ओट्स अच्छे से भीग गया है। अब इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हमारा बैटर यहाँ गाढ़ा लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी डालकर इसे पतला करूँगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर बैटर गाढ़ा रहेगा तो तवे पर अच्छे से फैलेगा नहीं। अब मैं इसमें सब्जियाँ ऐड करूँगी। इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, टमाटर डाला है, बारीक कटी हरी मिर्च डाली है और धनिया पत्ता। अब मैं इसमें हल्दी डालूंगी, नमक स्वाद के अनुसार। इसमें मैंने थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। इसमें मैंने नींबू डाला है, जो कि ये ऑप्शनल है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बेसन के बाद अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा तवा गरम हो गया है। अब इस पर हम तेल डालेंगे। अब तवे पर मैं बैटर डालूंगी और इसे अच्छे से फैला लूंगी। चीले को पलटकर दोनों साइड से हम अच्छे से सेक लेंगे। हमारा चीला अब रेडी हो गया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।